अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक यूनिट एटम के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले सेशन में भी हमने उसकी बहुत सारी मालूमात हासिल की। इंशाल्लाह आगे के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। एटम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आते हैं शेल्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स के अंदर, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके। न्यूक्लियस बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है और शेल्स के अंदर चूँकि इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होने की वजह से वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज। और इसी तरीके से हमारे एटम के अंदर मेन बेसिक थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो के प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स के अंदर। अब जैसा कि हमने आपको होमवर्क दिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाने के लिए बोले थे और उसके अलावा एटॉमिक नंबर भी आपको डिराइव करना था, उसके अंदर आपने जो हाइड्रोजन था सबका सही था, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ तक सबके बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर सभी के सही थे। इसके आगे जो है हमारा फ्लोरीन एंड नियॉन, इन दोनों के स्ट्रक्चर आप लोगों के रॉन्ग थे। इसकी भी वजह है, बहुत बड़ी वजह। सबसे पहले हम जब शेल्स की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। फर्ज कीजिए एटम के न्यूक्लियस के बाद जो फौरी तौर पर आता है शेल, इस शेल का नाम है के। उसके बाद जो आता है शेल, उस शेल का नाम है एल। उसके बाद जो आता है शेल, उस शेल का नाम है एम। और उसके बाद जो आता है शेल, उस शेल का नाम है एन। के एल एम एन, ये चार शेल है। अब इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है 2n² वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ये क्या है n? नंबर ऑफ शेल, शेल के नंबर। अब हमको लेना है के शेल, के शेल का नंबर रहेगा n इज इक्वल्स टू 1। इसके अंदर पाए जाने वाले, इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमको मालूम करना है इस फॉर्मूले से। ये जो आपको फार्मूला दिया जा रहा है, शेल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ये मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है 2n² और 2n² से हम सबसे पहले के शेल के अंदर मौजूद प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करेंगे। n इज इक्वल्स टू 1 पुट किए हमने क्योंकि हमारे के शेल का जो नंबर है वो है 1, पहले है। अब यहाँ पर रखिए 2 इंटू n की जगह रखेंगे 1² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। आप देख चुके हैं के शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब कि ये हमारा फार्मूला सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास l शेल, इसका नाम क्या है l। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2² 2 इंटू 2² इज 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए आप ऑक्सीजन तक के एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ 2 शेल मौजूद होंगे, के एल। इसके बाद आपके पास फ्लोरीन में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से अब उसको हमको बनाने के लिए न्यू शेल लेना पड़ेगा जिसका नाम है एम, एन इज इक्वल्स टू 3। अब इसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल टोटल उसकी क्वांटिटी कितनी है ये मालूम करेंगे, एन इज इक्वल्स टू 3, शेल का नाम है एम, 2 इंटू 3² 2 इंटू 9 18। तो फिर के अंदर मौजूद होने प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर मालूम करेंगे आप। ये आपका होमवर्क रहेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसी तरीके से फिर अब यहाँ पर सोचने वाली एक बात और भी मौजूद है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर क्यों मौजूद रहते होंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, ऐसे ही क्यों मौजूद हैं, क्यों प्रेजेंट है यहाँ पर।
ऐसे ही क्यों प्रेजेंट है? तो वो यहाँ पर इसलिए ऐसे प्रेजेंट है क्योंकि उनका एनर्जी लेवल उतना है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर वो चाहता है कि वो आउटर से इनर से आउटर की तरफ जाए, इनर से आउटर की तरफ, तो उसको चाहिए कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, गेन करे। जब कभी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर की तरफ चले जाता, के शेल से एन शेल की तरफ इमिट चले जाता, जंप कर देता। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी वजह से इमिट हो रही है, खारिज हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन आउटर लेवल से इनर की तरफ आ जाता। अगर एनर्जी कम हुई तो एन से एम की तरफ आएगा, एम से एल की तरफ आएगा, एल से के की तरफ आ जाएगा सीधा डायरेक्टली। तो इस तरीके से जिस किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी होती है वो उतने शेल के अंदर स्टेबल कंडीशन में होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल है। इसकी वजह क्या है स्टेबल होने की? स्टेबल होने की वजह ये है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम है इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी के। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज एटम्स इक्वल है निगेटिवली चार्ज एटम के, उसका न्यूक्लियस स्टेबल है, इसीलिए उसका एटम भी स्टेबल रहेगा। ये उसका एक मेन रीज़न है, बेसिकली मेन रीज़न है उसका। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऐसा, हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऐसा, आप लोगों ने तकरीबन सही बनाए बच्चों ने। लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऐसा। तो ये आपने क्या करे, आपने इसके अंदर क्या किए, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ये इलेक्ट्रॉन्स को आपने शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए, इक्वली शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। यही इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना साइंटिफिकली कहलाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन। उर्दू में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। क्या करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जितने हैं हमारे पास उसको शेल्स के अंदर डिवाइड कर देना। अब हमारे पास जैसा कि आपने फ्लोरीन और नियॉन ये दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, कैसे बनाए आपका खुद भी चेक कर सकते हैं, और उसका जो सही स्ट्रक्चर है वो अभी हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहली बात, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है नाइन, और नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। सबसे पहले ये है फ्लोरीन, पहला इसका शेल के शेल, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। उसके बाद है एल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 7। पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, और ये जो है 2, 7 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। उसी तरीके से नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम, तो ये है नियॉन, ये है इसका पहला शेल, कौन सा शेल, के शेल। के शेल के अंदर नियॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो नियॉन के अंदर, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एल शेल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये है नियॉन। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि एटम होते हैं, एटम हाइड्रोजन गैस के एटम, हाइड्रोजन बेसिकली गैसियस स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैस के अंदर तमाम के तमाम एटम्स के सिमिलर होंगे, सेम बिल्कुल ऐसे ही
अगर उनकी स्ट्रक्चर होगी तो ऐसे ही होंगे। और चूंकि ये गैसियस स्टेट में हैं तो इनका कोई वजन नहीं होता, और इनको अगर किसी से जॉइन होना है, किसी से कंबाइन होना है, किसी के साथ इनको केमिकल बॉन्डिंग तैयार करना है, तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है केमिकल बॉन्डिंग तैयार करने के लिए। इसलिए इनके एटम्स एक दूसरे के अंदर जॉइन हो जाते हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के साथ ऐसा, और ये बना देता है H2। अब ये H2 एटम नहीं है, H एटम है। H2 क्या है फिर? H2 है इसका मॉलिक्यूल। और जैसा कि एटम और मॉलिक्यूल किसी भी एक एलिमेंट के सिमिलर होते हैं, और ज़्यादातर मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट के ही होते हैं, गैसियस स्टेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एटम और मॉलिक्यूल ये एटम और मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के होते हैं, इनसे मिलकर कोई भी एक एलिमेंट तैयार होता है, कोई भी एक अंसर तैयार होता है, जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में कहा था, अंसर तैयार होता है या फिर कोई भी एक एलिमेंट। और इन एलिमेंट्स से, जैसा कि हमारे पास बेसिक 10 एलिमेंट्स आप सभी को याद है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियम, इसमें से हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में इसलिए इनका एटम होगा H2। हाइड्रोजन के बाद हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में होता है इसलिए उसका भी मॉलिक्यूल होगा। ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में होता है इसलिए उसका भी मॉलिक्यूल होगा। और बाकी के हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके तमाम के वो सिर्फ और सिर्फ एटम्स ही होंगे और इनके मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरीके से एटम और मॉलिक्यूल आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा आई होप। इसके बाद हम एलिमेंट्स के बारे में अगर देख रहे तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या तैयार करते होंगे। सपोज़ हमारे पास हम दो एलिमेंट लेंगे, एक हाइड्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन। हमने बोले कि आपको हाइड्रोजन सपोज़ के ऐसे कलर में ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी, सपोज़ हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर है ऐसी, और ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एटम नहीं है मॉलिक्यूल है। और हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सपोज़ की स्ट्रक्चर स्क्वायर है। तो ये इसका मॉलिक्यूल है किसका? नाइट्रोजन का। अब ये दो हाइड्रोजन और दो नाइट्रोजन, सबसे पहली चीज़ तो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलकर, हाइड्रोजन जब कभी किसी एक नाइट्रोजन या फिर किसी एक नाइट्रोजन से मिलकर H2N ये तैयार करेगा, एक नाइट्रोजन से मिलकर, तो ये H2N कहलाया जाएगा या फिर कहलाया जाएगा कंपाउंड। मतलब कि एक एटम और एक मॉलिक्यूल या फिर दो एटम, दो डिफरेंट एटम, H और N लो, ये H और N दो डिफरेंट एटम है, या फिर एक मॉलिक्यूल एक एटम लो, ये दोनों मिलकर कंपाउंड तैयार करते हैं। क्या बोले हम? एक एटम एक मॉलिक्यूल या फिर दो डिफरेंट एटम दोनों मिलकर कंपाउंड तैयार करते हैं। और दो कंपाउंड मिलकर H2N या फिर दो कंपाउंड मिलकर या फिर H2N2, एक कंपाउंड और एक एटम मिलकर या फिर एक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल मिलकर मिक्सचर तैयार करते हैं। अब इनके अंदर भी बहुत सारे आप लोगों को उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस है। तो जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर एलिमेंट। नेक्स्ट कंपाउंड किससे मिलकर बन रहा? सबसे पहली चीज़ दो डिफरेंट एटम, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम है, दो डिफरेंट एटम से मिलकर कंपाउंड बनेगा या फिर एक एटम और एक मॉलिक्यूल से मिलकर एटम कंपाउंड बनेगा। ठीक है, वन एटम प्लस वन मॉलिक्यूल या फिर टू डिफरेंट एटम
इससे मिलकर क्या बन रहा है हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर किससे मिलकर बन रहा है, दो डिफरेंट कंपाउंड, दो डिफरेंट कंपाउंड या फिर वन कंपाउंड प्लस वन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आप लोगों को एलिमेंट्स के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। एलिमेंट बेसिकली थ्री क्लासेस में डिवाइड। फर्स्ट इज मेटल, आप लोगों को पता ही होगा मेटल्स किसे कहते हैं। सेकेंड वन इज नॉन मेटल, थर्ड वन है हमारे पास मेटलॉइड्स। सबसे पहली चीज, मेटल को कहते हैं धातें, उर्दू में इसे कहा जाता है धातें, और नॉन मेटल्स को कहा जाता है अधातें, और मेटलॉइड्स को कहा जाता है धातुनुमा। अब यहाँ पर देखिए धातें, धातें बेसिकली अगर इनकी हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो दो तरह की होती है, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकेंड वन है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उस पर उस पर तेज़ाब का असर होता है क्या, असास का असर होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसकी, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और सेकेंड वन थिंग हमारे पास हम कह रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी यानी हमारी आँखों से देखने के बाद वो हमको कैसी नज़र आएगी, और छूने के बाद, महसूस करने के बाद हमको वो कैसी दिखेंगी, वो उसकी तमाम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती है। तो धातें आम तौर पर लस्चर होती हैं, लस्चर यानी चमकदार, ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, तकरीबन सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिक्विड में पाए जाएंगे, और ज़्यादातर और जितने ही धातें हैं तमाम की तमाम धातें मजबूत होती है, चमकदार होती है, और उसके बाद उनको टुकड़े करके, उनको फोड़ के, उनको पिघला के, उनका जो है सो वरख बनाया जाता है, और उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी यानी वरख पजीर, धातों के वरख बनाए जाते हैं। आप देखेंगे आयरन के वर्ख बनाए जाते हैं, शीट्स, सेकेंड वन थिंग, और उसकी वर्ख पजीरी। और नेक्स्ट है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यानी उनके तार बनाए जाते हैं, डक्टिलिटी। अब तार पजीरी आप देखेंगे चांदी के तार बनाए जाते हैं, सोने के तार बनाए जाते हैं, कॉपर के वायर बनाए जाते हैं। कॉपर के वायर आप लोग देखेंगे कि तमाम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के अंदर कॉपर वायर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है धातों की या मेटल्स की। नेक्स्ट वन है हमारे पास नॉन मेटल्स, अधाते, इसके पूरा उलट, उनके अंदर चमक नहीं रहेंगी, नॉन लस्चर, चमक बिल्कुल नहीं होती उनके अंदर। नेक्स्ट वन है वो मैलिएबिलिटी नहीं रहती उनके अंदर, यानी कि उनके अंदर सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने दिखने में डल होते हैं, शाइन नहीं रहते हैं। और उसके बाद अगर किसी हथौड़े से हमने उनको मारे तो उन्हों टुकड़े टुकड़े हो जाते, फूटक रहते हैं, बिल्कुल फूटक, मजबूत नहीं होते। अब मजबूत चीज़ नहीं है उनको मारने के बाद, तो जाहिर सी बात है उनका वर्क बनेगा क्या, उनका तार बनेगा क्या, नहीं बन सकता। वर्क बनाने के लिए, तार बनाने के लिए हमको मजबूत चीज़ की ज़रूरत। अब यहाँ पर है धातुनुमा। धातुनुमा वैसे तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स में कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स है, यानी कि उनके अंदर आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है, आधी खसूसियात मेटल्स की रहती, यानी कि उन्हों कुछ मेटल्स भी दिखते हैं और कुछ नॉन मेटल भी रहते। तो उनको क्या करें, दोनों की आधी आधी खसूसियात उनके अंदर है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो लस्चर नहीं होंगे, चमकदार नहीं है तो फिर क्या अधात है क्या, वो नहीं, वो चमकदार नहीं रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड रहेंगे। अब ठोस भी है, इसकी ठोस है इसकी प्रॉपर्टी, और इसकी ना चमक है, डल है। तो ये ठोस भी है डल भी है, मतलब कि इसकी 50% प्रॉपर्टी आ गई, इसकी 50% प्रॉपर्टी आ गई, तो कहाँ रखना फिर उनको, इसमें रखना नहीं उनको, नेक्स्ट
अलग क्लास में डिवाइड किया गया, अब वो आ जाएंगे यहाँ पर धातुनुमा के अंदर। तो ऐसे तमाम जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो धातुनुमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ, आपको क्या करना है, एक डिश लेना है, उसके अंदर चार डिशेस लेना है। पहली डिश में आप डालेंगे वॉशिंग सोडा जो होता है ना घरों में। सेकंड में आपको डालना है शुगर। थर्ड में आपको डालना है ब्लू विट्रियॉल, यानी ये एक केमिकल है जिसको उर्दू में बोला जाता है नीला तूतिया। और नेक्स्ट है कैम्फोर, इसको क्या करना है आपको अलग अलग डिशेस में लेने के बाद इसको हीट करना है। हीट करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हीट करने के बाद, उसको हरारत देने के बाद क्या बचता है उसके अंदर। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको मालूम होंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहली चीज़ इसमें से वॉशिंग सोडा और शुगर, ये दोनों चीज़ें भी हीट देने के बाद उनके बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रेसिड्यू बचता है। ब्लैक रेसिड्यू यानी पूरी तरह से वो काला हो गया, और ये दोनों के अंदर ऐसा नहीं होता, ये दोनों के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास केमिकली टू टाइप्स के कंपाउंड प्रेजेंट है। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर, जिनको हीट देने के बाद काला रेसिड्यू बाकी रह जाता है, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है। अब ये काली चीज़ क्या है, तो ये काली चीज़ है कार्बन। हमारे पास, हमने देखे एलिमेंट्स के अंदर कार्बन एटम है, एटॉमिक नंबर उसका 6 है कार्बन का। ये कार्बन बहुत ही सस्ती चीज़ है, आसानी से अवेलेबल है, और बहुत ही चमकदार, ये जो कार्बन है वो बेसिकली बहुत ही मैजिकल कार्बन है, यानी इसके अंदर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कार्बन से मिलकर बनी हुई है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जलाने के बाद हमको काली चीज़ नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, ये चौक, कपड़े, डस्टर, जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लैक बोर्ड, ये बोर्ड, जितनी भी चीज़ें हैं जलने के बाद काला कलर ही देती है। तो जो भी चीज़ जलने के बाद काली हो जाती है वो कार्बन रेसिड्यू छोड़ देती है, मतलब कि उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। अब आप कार्बन के लिए देखिए, पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी आप देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर जितने के जितने प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, तमाम के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, आसानी से इजीली अवेलेबल है, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से इसके ऊपर एक ब्रांच ऑफ साइंस बनाई गई है, और उस ब्रांच ऑफ साइंस का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब उसी ऑर्गेनिक को लेकर, उसी निस्बत से हमारे पास जितने भी कंपाउंड जिसके अंदर, जिसको जलाने के बाद काली चीज़ बाकी रह जाएगी, कार्बन प्रेजेंट रहेगा, उस तमाम चीज़ों का हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और इसके उलट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिनको जलाने के बाद, जैसा कि हमारा नमक भी है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, हमारा जो टेबल साल्ट, उसको भी आप देखो वो जलता नहीं, मतलब जलता लेकिन ब्लैक रेसिड्यू बाकी नहीं रहता उसके अंदर, मतलब कि उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अब इस नमक के जैसे जितने भी तमाम के तमाम कंपाउंड प्रेजेंट है, वो तमाम कंपाउंड आएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ऐसे जितने भी कंपाउंड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, वो तमाम कंपाउंड पूरे के पूरे आ जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब हमारा बचा हुआ है मिक्सचर। तो सबसे पहली चीज़,
जब भी कभी कोई एक चीज़ जैसा कि पानी है, पानी में हमने क्या करे, एक ग्लास के अंदर, एक जार या फिर एक ग्लास के अंदर हमने पानी डाले, पानी को यहाँ तक भर दिए, उसके बाद हमने इसके ऊपर तेल डाले, यहाँ पर हमने पुट किए थे वाटर, उसके बाद हमने डाले यहाँ पर ऑयल, क्या ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर एक फेस तैयार हो जाती, एक लेयर तैयार हो जाती, एक ऐसी लेयर जो ऑयल को वाटर के अंदर पूरी तरीके से मिक्स होने नहीं देती, पूरी तरीके से मिजिबल नहीं है, ये मिजिबल नहीं है, इमिजिबल है। और इस इमिजिबिलिटी की वजह से यहाँ पर दो फेजेस तैयार हो गए, ये फेज़ नंबर वन, ये फेज़ नंबर टू, दो लेयर्स तैयार हो गए जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। और ऐसे ये एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर वन, और सेकंड है एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर टू। हमने क्या किए, ऐसे ही एक ग्लास के अंदर सबसे पहले वाटर डाल दिए और उसके बाद हमने डाले मिल्क। तो अब क्या इस एग्जांपल के अंदर भी ऐसी ही कोई लेयर तैयार होगी? क्या वो इमिजिबल होंगे? क्या वो दो फेसेस में अलग से डिवाइड होंगे? आप ऐसा कर सकते क्या, दूध को अलग से निकाल लो फिर वाटर को अलग से निकाल लो? नहीं कर सकते। ये एक ऐसा लिक्विड तैयार हुआ जो पूरी तरीके से इमिजिबल है, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि कौन सा वाटर है और कौन सा मिल्क है। मतलब कि ये जो हमारे पास लिक्विड तैयार हुआ वो पूरी तरीके से मिजिबल है। अब इस मिजिबल कंपाउंड को, मिजिबल मिक्सचर को बोला जाएगा होमोजे। तो ऐसा जो मिजिबल मिक्सचर है जहाँ पर दो लिक्विड्स या फिर दो चीज़ें दो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, कोई भी फेस तैयार नहीं करती, उस मिक्सचर को हम कहेंगे, उस मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर होमो की मीनिंग है सेम। और जहाँ पर ऐसे दो फेजेस तैयार हो जाते हैं और जिसके अंदर इमिजिबिलिटी होती है, तो ऐसे लिक्विड को हम कहेंगे हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो के मीनिंग है डिफरेंट। तो आप लोगों का यहाँ पर ये सेशन ख़त्म होता है। इस सेशन में आपने पूरी तरीके से एटम के बारे में मालूम किए, एलिमेंट्स के बारे में मालूम किए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मालूम किए, एलिमेंट्स के 10 नेम्स मालूम किए और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम किए, आज के सेशन में कंपाउंड मालूम किए, मिक्सचर मालूम किए। और इसके अलावा भी आपको लेक्चर में जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो बिला झिझक आप क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा अभी आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है 30 एलिमेंट्स का। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पिछले सेशन में ही आप लोगों को वो होमवर्क देना था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन अब आपको देना है किसी भी हाल में। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, पिछले लेक्चर में आप लोगों को 10 एलिमेंट्स ऑलरेडी दिए जा चुके थे, हाइड्रोजन से नियॉन तक, नियॉन के बाद है अब सोडियम, सोडियम का सिंबल है Na, लिख लेते छमम गुरु, स्कैनेडियम, सॉरी सोडियम जिसका सिंबल Na, मैग्नीशियम सिंबल Mg, एल्यूमिनियम सिंबल Al, सिलिकॉन S, सिंबल S, फॉस्फोरस P, सल्फर, सॉरी सिलिकॉन का सिंबल Si, फॉस्फोरस P, सल्फर सिंबल S, क्लोरीन सिंबल Cl, आर्गन सिंबल Ar, पोटेशियम सिंबल K, कैल्शियम सिंबल Ca, स्कैनेडियम सिंबल Sc, टिटैनियम सिंबल Ti, वेनेडियम सिंबल V, क्रोमियम
सिंबल सी आर, मैंगनीज सिंबल एम एन, आयरन सिंबल एफ ई, कोबाल्ट सिंबल सी ओ, निकिल सिंबल एन आई, कॉपर सिंबल सी यू, जिंक सिंबल जेड एन। ऐसा हमेशा होना ज़रूरी नहीं है कि जो नाम जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है वही उसका सिंबल हो। कई मरतबा इनके जो नेम्स है वो इटालियन या फिर फ्रेंच में होते हैं, जिसकी वजह से उनके उस लैंग्वेज में जो नेम होते हैं उसके हिसाब से उनको सिंबल दिया गया है, क्योंकि उनकी जो इन्वेंशन है उस टाइप के साइंटिस्ट ने की है, फ्रेंच साइंटिस्ट या फिर किसी ऐसे साइंटिस्ट की नेम की वजह से उनके कंट्री में जो लैंग्वेज में जिस एलिमेंट को जो बोला जाता है उसके हिसाब से उनके सिंबल दिए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर सोडियम का जो सिंबल होता है SO होता था, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से आपको सिंबल याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अगले सेशन में आपको लिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।